हेलो फ्रेंड, दिस इज़ कल्प शाह फ्रॉम कल्प शाह जीएसटी क्लासेस। आज हम देखेंगे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का एलोकेशन करते हैं सेक्शन 17 रेड विद रूल 42 के तहत, जो आगे के लेक्चर में हमने थोड़ा देखा था उसका हम कंटिन्यू करेंगे। एग्जांपल, ये हमारे क्लासेस का नाम है कल्प शाह जीएसटी क्लासेस और आज का चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट। या आप हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नोट डाउन कर सकते हो और हमारे क्लासेस के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हो। सबसे पहले हम रूल 17 के तहत बोला था कि आपको जो टर्नओवर होता है उसको बाइफरकेट करना होता है, एग्जम्प्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर और टैक्सेबल टर्नओवर। इसको टोटल टर्नओवर को दो हिस्से में बांटना होता है, एग्जम्प्ट टर्नओवर और टैक्सेबल टर्नओवर। लेकिन एग्जम्प्ट टर्नओवर को भी यह सेक्शन के लिए कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, उसमें कुछ इंक्लूजन है और कुछ एक्सक्लूजन है। नॉर्मली एग्जम्प्ट की डेफिनेशन यह है कि उसमें जो नील रेटेड होता है वो आ जाता है, फिर एग्जम्प्टेड अंडर एनी नोटिफिकेशन आ जाता है और नॉन टैक्सेबल गुड्स भी आ जाता है, यानी कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, फिर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है वगैरह, वो जीएसटी के दायरे में नहीं, उसको भी एग्जम्प्ट की डेफिनेशन में आ जाता है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है जो हम देखते हैं। सबसे पहले इंक्लूजन है सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में तीन इंक्लूजन डाले उन्होंने। द वैल्यू ऑफ एग्जम सप्लाई अंडर सेक्शन सब सेक्शन 2 सेल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड सेल इंक्लूड सप्लाई ऑन विच रिसिपियंट इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। यानी कि जो आपने सेल किया उसमें आपका जो बायर है वो बायर टैक्स पे करने वाला, लेकिन आपका सेल तो हुआ ना, तो उस पर टैक्स लगेगा। हालांकि वो उस प्रोडक्ट पे टैक्स लग रहा है, बायर पे कर रहा है, लेकिन आप कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हो, तो आपके एग्जम टर्नओवर में उनको इंक्लूड कर देना है। फिर ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटीज़, और ट्रांजैक्शन में जो सिक्योरिटीज़ आप जो करते हो, वैसे तो गुड्स की डेफिनेशन में सिक्योरिटीज़ नहीं आती, लेकिन इसकी वैल्यू को आपको इस एग्जम टर्नओवर के सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 के तहत उसको इंक्लूड करना है और उसकी वैल्यू आपको 1% लेनी है। फिर सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 और सेल ऑफ बिल्डिंग, उसमें आपको सेल ऑफ लैंड की जो लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू भी जीएसटी में इंक्लूड नहीं होती, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड नहीं होती, गुड्स पे ही जीएसटी लगता है, इमूवेबल गुड्स पे नहीं लगता। तो फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लगता, फिर भी इसको सेल ऑफ लैंड की वैल्यू को इंक्लूड करना है, वो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे आपको इंक्लूड करना है। फिर इसके अलावा तीन एक्सक्लूजन है जो हमें एग्जाम सेक्शन 17 के तहत रूल 42 और 43 के लिए ये एक्सक्लूजन दिए गए हुए हैं, और वो नोटिफिकेशन नंबर जो था 42/2017, उसमें सबसे पहले क्या है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नंबर 42/2017 दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैविंग प्लेस ऑफ सप्लाई इन नेपाल और भूटान अगेंस्ट पेमेंट इन इंडियन रुपीज़। अगर आपने कोई सप्लाई ऑफ सर्विस किया और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भूटान या नेपाल में है और आपको रुपीज़ में कंसिडरेशन मिला, तो उसको एग्जाम के टर्नओवर के वैल्यू में से एक्सक्लूड करेंगे। फिर द वैल्यू ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक्सटेंडिंग लोन्स और एडवांसेज सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। अगर आप किसी को लोन देते हो या पैसे देते हो और उसके बदले में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट का टर्नओवर भी आपको इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि एग्जाम के वैल्यू में से एक्सक्लूड करना है। हालांकि अगर आप एक बैंकिंग कंपनी हो, NBFC हो, तो उसको इंक्लूड करना है, क्योंकि आपका धंधा ही वो है, तो आपका टर्नओवर तो उसी का बनेगा। फिर तीसरा एक्सक्लूजन है द वैल्यू ऑफ सर्विसेज बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो कस्टम स्टेशंस के बाहर से जितना भी आप सर्विसेज दे और उस वैल्यू सर्विसेज की वैल्यू को एक्सक्लूड करना है। और इसमें और बताया गया है टर्नओवर डिटेल्स अगर अवेलेबल नहीं है यह महीने की, तो पिछले महीने की आप टर्नओवर डिटेल्स से कंपेयर कर सकते हो और उसको प्रोपोर्शनेटली बांट सकते हो। आगे का रूल हमने पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, जो मैं कहना चाहता हूँ वो बांटने का पर्पस क्या है। फिर इंक्लूजन इन एग्जाम सप्लाई हमने देखा कि RCM का आउटवर्ड सप्लाई हमें एग्जाम में इंक्लूड करना है, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़ को इंक्लूड करना है, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग को इंक्लूड करना है। फिर
एक्सक्लूजन इन एग्जम्प्ट अप्लाई द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड वैट. समझ लीजिए कि इसमें एग्जम्प्ट अप्लाई के टर्नओवर में क्या इंक्लूड है. जो एग्जम्प्ट अप्लाई आपने किया, समझ लो कि पेट्रोल भेजा, डीजल भेजा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल भेजा, तो वो इंक्लूड है. लेकिन उस पर जो जीएसटी या वैट लगा वो तो टर्नओवर नहीं है, तो वो तो ड्यूटीज है, तो वो ड्यूटीज इसमें ऐड नहीं होती टर्नओवर में. तो एग्जम्प्ट अप्लाई के टर्नओवर में जो नॉन टैक्सेबल गुड्स है उस पर एक्साइज ड्यूटी या वैट लगी है, उसको इंक्लूड नहीं करना है. फिर वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग मैंने जिस तरह से बताया आपको, इस तरह से करना है. द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज द वैल्यू एडेप्टेड फॉर पेइंग स्टैम्प ड्यूटी एंड फॉर सिक्योरिटी इज द 1% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी. सिक्योरिटी में 1% लेना है और लैंड एंड बिल्डिंग में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बैकग्राउंड था. यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज लेवियबल ऑन मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ टोबैको, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF एंड नेचुरल गैस. स्टेट एक्साइज ड्यूटी इज लेवियबल मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकर, ओपियम, इंडियन हैम्प एंड नारकोटिक्स. एंड वैट इज लेवियबल ऑन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोलियम, ATF, नेचुरल गैस एंड अल्कोहलिक लिकर. ये सारे नॉन टैक्सेबल गुड्स है फॉर GST के लिए, लेकिन इस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी या वैट लगता है. ठीक है, ये हमने देखा. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए कैलकुलेट एग्जांपल में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट अप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17 रेड विथ रूल 14. अब हमको सेक्शन 17 के तहत जो टोटल टर्नओवर है उसको दो हिस्सों में बांटना है, एग्जम्प्ट टर्नओवर और टैक्सेबल टर्नओवर. लेकिन एग्जम्प्ट अप्लाई में क्या क्या इंक्लूड करेगी और क्या क्या एक्सक्लूड करेगी जो हमने आगे देख लिया, उसके तहत हम इसको इस सम्स में सिर्फ हमको बांटने का नहीं बोला है टर्नओवर को, जो इनपुट टैक्स रेट उसको रेशियो में बांटने का नहीं बोला है, सिर्फ आपको टर्नओवर ढूंढना है, एग्जम्प्ट टर्नओवर. फिर उसके ऊपर से हम आगे का सम देखेंगे, ये खाली मॉडल सम है. देखिए सबसे पहले क्या है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स. देखो एग्जम्प्ट अप्लाई की डेफिनेशन में सब तीन चीज़ें इंक्लूड की है, सबसे पहले नील रेट ऑफ टैक्स, फिर एग्जम्प्ट बाय वे नोटिफिकेशन और नॉन टैक्सेबल गुड्स. तो नील रेट ऑफ टैक्स को भी हम एग्जम्प्ट अप्लाई के टर्नओवर में ऐड करते हैं, यानी कि ये 30 लाख एग्जम्प्ट अप्लाई के टर्नओवर में ऐड होंगे. फिर सप्लाई गुड्स और बोथ और सर्विसेज और बोथ विच आर होल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ CGST और सेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट. तो ये 25 लाख को भी एग्जम्प्ट अप्लाई के टर्नओवर में ऐड करेंगे. फिर आगे है सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, यानी कि जिस पर GST नहीं लगता लेकिन कोई और टैक्स लगता है, यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी या वैट लगता है, तो उसको भी ऐड करेंगे. क्योंकि एग्जम सप्लाई में तीन टर्नओवर ऐड होते हैं, जो पहले ही तीन हमने बताया, ये जो तीन है, नील रेट ऑफ टैक्स, होल्ली एग्जम बाय नोटिफिकेशन या नॉन टैक्सेबल गुड्स, ये तीन तो एग्जम सप्लाई की बेसिक डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं. इसके अलावा भी हमको देखना है क्या क्या इंक्लूजन और क्या क्या एक्सक्लूजन है. तीन इंक्लूजन थे, तीन एक्सक्लूजन थे. और इसमें इंक्लूजन में जो नॉन टैक्सेबल टर्नओवर था उसका इंक्लूजन है, लेकिन उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगी या फिर वैट लगा उसका इंक्लूजन नहीं है. देखो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड वैट ऑन सेल ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो इनको इंक्लूड नहीं करना है. ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं द सेल वैल्यू ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग व्हेन एंटायर कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. यानी कि उन्होंने सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग किया है और उसमें अंडर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 2 करोड़ का वैल्यूएशन है और वैल्यूएशन एज पर इंड एस 3 करोड़ का है, तो हमें स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यूएशन लेना होगा 2 करोड़ को भी. इस लिमिटेड पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द एग्जम्प्ट अप्लाई फॉर सेक्शन 17, उस पर्पस के लिए हम यह टर्नओवर को ऐड करेंगे, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से. फिर सेल इन ट्रांजेक्शन, सेल ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज हालांकि गुड्स की डेफिनेशन में सिक्योरिटीज आती नहीं, उस पर GST नहीं लगता, फिर भी उसको उसमें जो आपने सेल किया है उसका टर्नओवर गिनेंगे सिर्फ 1%, यानी कि 50 लाख का 1% गिनना है. फिर आउटवर्ड सप्लाईज चार्ज टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, इसमें बायर पे करता है जे इस पर टैक्स लगता है, इस वजह से इस पर वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टैक्सेबल सप्लाई, फिर भी हम सेलर कोई टैक्स नहीं पे कर रहा, इसलिए उस पर्पस से उसको एग्जम्प्ट सप्लाई के
टर्नओवर में ऐड करते हैं 15 लाख को। फिर आगे देखते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैविंग प्लेस ऑफ सप्लाई इन नेपाल और भूटान अगेंस्ट पेमेंट इन इंडियन रुपीज़, इसको यह एक्सक्लूजन है 23 लाख रुपए का। तो हमने अभी भी एक्सक्लूजन देखा तो वो एक्सक्लूजन यहाँ पे आ गया, उसको नहीं करना है। फिर द वैल्यू ऑफ सर्विसेज बाय ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक्सटेंडिंग लोन्स और एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, उसको भी एक्सक्लूड करना है। इंटरेस्ट का टर्नओवर इसमें गिनना नहीं है। फिर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल फ्रॉम द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड, ये भी एक्सक्लूजन है, तीनों ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो हम इसका आंसर देखते हैं। देखो 30 लाख, 25 लाख और 12 लाख को ऐड किया है। फिर उसके आगे द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है वो तीसरा नंबर का जो पॉइंट है उस पर ड्यूटी लगी है। ये तीसरा नंबर का टर्नओवर हम गिनेंगे लेकिन उसमें जो ड्यूटी है उसको टर्नओवर में ऐड नहीं करना है, तो इसमें नहीं आएगा, इसमें कोई आंसर इसमें ऐड नहीं करना है एग्जाम सप्लाई में। फिर सेल ऑफ लैंड को हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से 2 करोड़ यानी कि 200 लाख ऐड करेंगे। फिर सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ को हम 1% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू, तो 50 लाख का 1% 50,000 होगा। फिर आउटवर्ड सप्लाई चार्ज अंडर रिवर्स चार्ज, उसको टर्नओवर को भी ऐड करते हैं। और ये तीन जो एक्सक्लूजन बताए वो एक्सक्लूजन को ऐड नहीं करना है, जो नेपाल भूटान का पहले सब सप्लाई है और हमको इंडियन रुपीज़ में कंसिडरेशन मिला हो, फिर इंटरेस्ट और डिस्काउंट के तौर पर हमको कंसिडरेशन मिला हो, या तो फिर हमने कस्टम स्टेशन से बाहर कोई सर्विस दी हो। ठीक है, तो इट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 17 रेड विद रूल 42 इज 267.5 लैक्स, ये उसका टर्नओवर हो गया। फिर उसको हम बाइफर कर देंगे। ये तो सिर्फ मॉडल एग्जाम्पल था, उसके डिटेल एग्जाम्पल अब यह वाला आता है। एग्जाम्पल हम जो देख रहे हैं, एग्जाम्पल अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, इनपुट और इनपुट सर्विसेज ये जो कॉमन क्रेडिट है हम उसको किस तरह से अपोर्शन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ उसका जो तरीका है वो हमने आगे के लेक्चर में देखा है। वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो वो लेक्चर देख के ही आप यह लेक्चर देखिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है, मोहन लिमिटेड सेल्स टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। मोहन लिमिटेड दोनों प्रकार के गुड्स बेचता है, एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों प्रकार के गुड्स बेचता है और सर्विसेज भी। टर्नओवर ऑफ मोहन लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून इज गिवन बिलो, यह जो टर्नओवर दिया गया 84.73 वो जून का है। द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग द एग्जम्प्टेड गुड्स सप्लाइड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2019 इज नॉट अवेलेबल। देखो ये उन्होंने जो टर्नओवर की डिटेल्स दी उसमें एग्जम्प्टेड कितना हुआ टर्नओवर उसकी कोई डिटेल्स दी नहीं गई। ये सबसे पहले दिया वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 84 लैक्स, फिर वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज 7 लैक्स। जीरो रेटेड यह होता है, देखो जीएसटी में दो होता है, एक जीरो रेटेड और नील रेटेड। जो एक्सपोर्ट होता है या फिर सप्लाई टू एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर होता है उसको जीरो रेट कहते हैं, तो उसको भी टैक्सेबल में ही ऐड करना है, उसको एग्जम्प्ट नहीं माना है। नील रेटेड यानी शून्य रेट, जिसके आगे शून्य लिखा है और रेट के पत्रक में रेट के एनेक्सर में जो जीरो लिखा हो उसको ही नील रेट माना है। जीरो रेटेड का मतलब कुछ और होता है जो एक्सपोर्ट होता है, तो वो टैक्सेबल में ऐड होगा। फिर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड फॉर अदर देन बिजनेस, ये बिजनेस के अलावा के पर्पज़ के लिए उन्होंने इतना पर्सनल पर्पज़ के लिए 3 लाख का गुड्स यूज़ किया, लेकिन उसको रेशियो में कोई बांटने की जरूरत, ये टर्न ओवर के रेशियो में कुछ बढ़ता नहीं है, तो सिर्फ आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है। और टोटल 94 लैक्स का टर्न ओवर हुआ। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड फॉर अदर देन बिजनेस यूज़ है कि वो गुड्स तो टैक्सेबल ही होंगे ऐसा मान लेने का। फिर आगे हम मानते हैं कि डिटेल्स ऑफ ITC फॉर द मंथ ऑफ जून, और ITC कितनी थी, CGST, SGST और IGST, ये तीनों हमने परचेस करते समय हमने पे किए थे हमारे सेलर को, तो 5,12,000, 5,12,000 और 2,28,000 थी। लेकिन उसमें कुछ स्पष्ट दिखाई दे ऐसी ITC, देखो उसमें हमारे पास कुछ ऐसे ही ITC थी जिसमें हमको पता ही था कि ये गुड्स जो खरीदे थे उस पर जो टैक्स लग के आया है सेलर ने लगा है वो तो हम बेचेंगे तब एग्जम्प्ट है, तो उसको उसके उसका अमाउंट दिया गया। ITC ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज्ड
फॉर सप्लाइंग एग्जम गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको टोटल में से सबसे पहले लेस कर देते हैं। फिर ITC ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स, उसको भी हम लेस करते हैं। फिर ITC ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच आर नॉट एलिजिबल फॉर ITC अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, यानी कि ब्लॉक क्रेडिट है, वो भी कॉमन क्रेडिट नहीं है। फिर ITC ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ये चारों को टोटल में से ऐड कर लेस कर देंगे तो हमको कॉमन क्रेडिट मिल जाएगी, और कॉमन क्रेडिट को फिर हम एग्जम सप्लाई के टर्नओवर और टैक्सेबल टर्नओवर के रेशियो में बांटेंगे। तो हमको पता चलेगा, और हम देखेंगे कि यह समय जून महीने का तो टर्नओवर दिया नहीं गया एग्जम्प्ट का, लेकिन जब दिया नहीं गया तो हमने आगे रूल में पढ़ा कि जिस पीरियड का नहीं दिया गया तो उसके प्रीवियस पीरियड का देखना, तो जून का नहीं दिया गया तो मई का देखना होगा। तो मई के देखो ये 8 डिटेल्स दी हुई है, उस पे से 10 डिटेल्स दी हुई, 10 अमाउंट में से आपको सबसे पहले तो एग्जम्प्ट का टर्नओवर निकालना होगा, फिर उस एग्जम्प्ट के टर्नओवर को बांटना होगा टोटल टर्नओवर, और टोटल टर्नओवर को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले तो एग्जम के रेशियो एग्जम टर्नओवर, और दूसरा है टैक्सेबल टर्नओवर। लेकिन एग्जम में क्या क्या ऐड होता है वो हमने देखा है, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, ये तो टैक्सेबल में चला जाएगा। फिर सप्लाई ऑफ जीरो रेटेड गुड्स और सर्विसेज, ये भी टैक्सेबल में चला जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स मेड फॉर अदर देन बिजनेस यूज, यानी कि पर्सनल यूज, ये भी टैक्सेबल में चला जाएगा। यानी कि टैक्सेबल सप्लाई के ये 3 टर्नओवर हो गए, देखो 61 लाख, 6 लाख और 1 लाख। अब उसका आंसर है उसको भी आप देख सकते हो, 61 लाख, 6 लाख और 1 लाख। फिर आगे आता है छपला गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स, यानी कि एग्जम के टर्नओवर में चला गया। फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच आर होली एग्जम फ्रॉम टैक्स बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ, यानी कि नोटिफिकेशन के तहत एग्जम किया गया हुआ, तो ये भी एग्जम के टर्नओवर में चला गया। एग्जम का टर्नओवर हुआ 8, फिर 16। फिर सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स अल्कोहलिक लेमन फॉर लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो उसको भी एग्जम के टर्न ओवर में ऐड करेंगे। फिर उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगी या वैट लगा उसको एग्जम के टर्न ओवर में ऐड नहीं करना है, तो उसको ऐड नहीं करेंगे 36,000 को, 7 नंबर वाला पॉइंट। फिर है सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, तो उसका जो वैल्यूएशन है हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के तहत लेंगे तो 12 लाख अमाउंट उसका आएगा। इंडेस के तहत भी वैल्यूएशन दिया है वो हमें नहीं लेना है। फिर सेल ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, उसका 1% लेंगे, 70 लाख है तो 70,000 रुपया उसका एग्जाम सप्लाई के टर्नओवर में ऐड करेंगे, ठीक है। फिर आउटवर्ड सप्लाई चार्ज टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, उसको भी एग्जाम सप्लाई के टर्नओवर में ऐड करेंगे। भले ही ये इस पर टैक्स लगता है लेकिन बायर टैक्स पे कर रहा है, हम सेलर हैं, हम तो कोई टैक्स नहीं पे कर रहे, तो हम उसको एग्जम मान लेंगे और एग्जम के टर्नओवर में ऐड करेंगे। देखो अब उसका नीचे क्या दिया गया हुआ है आंसर, व्हाट अमाउंट, देखो ये मैंने ये स्क्रीन नहीं कही थी, सेल ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी 7 लाख और आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रिवर्स चार्ज 16 लाख, वो भी एग्जम दोनों ही एग्जम में ऐड होंगे, लेकिन सिक्योरिटीज का 1% यानी 70,000 ऐड होगा। अब हम उसको एग्जम्प्ट और सबसे पहले एग्जम का टर्नओवर कितना हुआ और टैक्सेबल का टर्नओवर कितना हुआ वो हम देखते हैं। देखो एग्जम का टैक्सेबल का टर्नओवर पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, यह सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस 61 लाख, फिर सप्लाई ऑफ जीरो रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज वो भी टैक्सेबल में ऐड होता है, क्योंकि अगर वो इंडिया में बिकता है तो उस पर तो टैक्स लगता ही है ना, वो एक्सपोर्ट हो रहा है इसलिए वो जीरो रेटेड होगा, तो 61 और 6। और उसमें एक और ऐड करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स मेड फॉर अदर देन बिजनेस, 61 + 6 + 1 इतना जो टर्नओवर है वो हमारा टैक्सेबल सप्लाई का गुड्स का टर्नओवर हुआ, देख लीजिए 61 + 6 + 1, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 68 लाख हुआ। फिर उसको हम वैल्यू ऑफ एग्जम सप्लाई कितना हुआ वो हम देख लेते हैं। देखो उसका आंसर मैंने आपको करवा दिया, नील रेट ऑफ टैक्स वो एग्जम सप्लाई में टर्नओवर में ऐड है, होली एग्जम अंडर नोटिफिकेशन वो भी ऐड है। फिर नॉन टैक्सेबल गुड्स जिस पर GST नहीं लगता लेकिन और टैक्स लगता है, लेकिन उसको भी एग्जम सप्लाई के डेफिनेशन में इंक्लूड किया। ये 3 तो एग्जम सप्लाई की कोर डेफिनेशन में इंक्लूड है, नील रेट, होली एग्जम अंडर नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ CGST और सेक्शन 6 ऑफ IGST, या तो फिर नॉन टैक्सेबल गुड्स। लेकिन इसमें
ये जो तीसरा नंबर का आइटम है उस पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा वो तो टर्नओवर नहीं है, वो गुड्स का टर्नओवर या सर्विस का टर्नओवर नहीं है, उस पर ड्यूटी लगी है तो उसको एग्जम सप्लाई के टर्नओवर में ऐड नहीं करते। लैंड एंड बिल्डिंग को जो सेल किया उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऐड करते हैं 12 लाख ये पर्पज़ के लिए, हालांकि उस पर GST नहीं लगता। फिर जो सिक्योरिटीज़ बेची है शेयर्स वगैरह उस पर 1% लेते हैं और रिवर्स चार्ज को भी ऐड करते हैं। रिवर्स चार्ज में हमने जो सेल किया वो परचेस किया वो नहीं लेकिन सेल किया वो, तो टोटल टर्नओवर ऑफ एग्जम सप्लाई हो जाता है 55,70,000 और वैल्यू ऑफ टोटल सप्लाई कितना हो जाता है 68 लाख टैक्सेबल सप्लाई और 55,70,000 एग्जम सप्लाई, तो टोटल हो जाता है 1,23,70,000। तो इस रेशियो में हमें बांटना है, हमें दो रेशियो मिल गए, एक 68 और एक है 55.70। यह रेशियो में हमको जो कॉमन क्रेडिट आती है वो बांटनी है। अब हमारी कॉमन क्रेडिट थी वो हमें कैसे पता चलेगा, देखो हमने आपको बताया था कॉमन क्रेडिट वह होती है जो दोनों के लिए यूज़ होती है, टैक्सेबल गुड्स को बेचने के लिए और एग्जम गुड्स को बेचने के लिए। लेकिन कॉमन इसको कहते हैं जो कॉमन हो लेकिन अनकॉमन हो, यानी कि जो हमको पता ही है यह तो हमने नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किए, यह तो हमने एग्जम गुड्स के लिए यूज़ किया है, ये जो परचेस किया था वो गुड्स, या तो फिर यह हमने जो परचेस किया था वो ब्लॉक क्रेडिट, वो तो क्रेडिट कभी भी कॉमन होती नहीं। और उसके अलावा भी जो हमको पता ही होता है कि ये पूरे के पूरे गुड्स हमने टैक्सेबल गुड्स बेचने के लिए ये पूरा गुड्स खरीदा था उसकी क्रेडिट यूज़ की हुई है, तो फिर उसको भी कॉमन क्रेडिट में से लेस करना है। यानी कि 5,12,000 में से ये चारों अमाउंट लेस करने हैं। देखो टोटल क्रेडिट अवेलेबल कितनी थी 5,12,000, उसमें से सबसे पहले हम ITC ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर सप्लाइंग एग्जम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज उसको भी लेस, उसको लेस करेंगे। फिर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज उसको भी लेस करेंगे। फिर एक्सक्लूसिवली ITC ऑन गुड्स एंड सर्विस विच आर नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, यानी कि मोटर कार वगैरह की क्रेडिट जो अवेलेबल नहीं है, ब्लॉक क्रेडिट है, गुड्स यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन वगैरह की क्रेडिट। फिर ITC ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज और पर्सनल यूज इसकी भी अवेलेबल नहीं है, तो ये चारों को एक्सक्लूड करके हमको कॉमन क्रेडिट मिलेगी। देखो उन्होंने ये जो तरीका है ना उनको थोड़ा सिस्टमेटिकली बताया है कॉमन क्रेडिट ढूंढने का तरीका। सबसे पहले हमको T1 जो ITC जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स यूज उसके क्रेडिट को हम T1 कहेंगे, तो वो T1 को लेस करेंगे। फिर एग्जम्प्ट की क्रेडिट थी जो सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र जो परचेस हमने गुड्स या सर्विस की थी वो हमने उसका इस्तेमाल एग्जम गुड्स का सप्लाई करने के लिए ही किया है, सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र एग्जम सप्लाई करने के लिए ही किया है, तो फिर उसको भी एक्सक्लूड कर दिया है। फिर ब्लॉक क्रेडिट तो वो तो एक्सक्लूड होती है जाहिर सी बात है। तो ये तीनों में से 5,12,000 में से 1, 2 और 3 लेस कर दिया तो हमको मिल गया C1, लेकिन उसमें भी हमको क्रेडिट वो बात करनी है लेस करनी है जो हमको पता ही है कि वो सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र टैक्सेबल सप्लाई के लिए यह गुड्स और यह सर्विसेज यूज़ की है, तो उसकी क्रेडिट तो हमको पूरी पूरी मिलने वाली है। तो हमारी 4,11,500 में से 2,00,000 की क्रेडिट हटा दे तो 2,11,500 हमारी कॉमन क्रेडिट आती है, और कॉमन क्रेडिट जो 2,11,500 और IGST की 1,41,100 है उसको हमने जो अभी रेशियो निकाला था टैक्सेबल टर्नओवर का और एग्जम सप्लाई के टर्नओवर का उसमें बांटेंगे। उसकी वर्किंग नोट नीचे है वो हम देखते हैं। देखो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जम सप्लाई कितनी थी 55,70,000 जो हमने ऊपर निकाली थी। फिर टोटल टर्नओवर कितना था 1,23,70,000। तो हमको कॉमन क्रेडिट जितनी थी, कॉमन क्रेडिट आप कैलकुलेटर हाथ में ले लीजिएगा, और कॉमन क्रेडिट जो हमारी थी 2,11,500, ठीक है, तो 2,11,500 मल्टीप्लाइड बाय 55 लाख, पहले मल्टीप्लाई मत करिए पहले डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 123,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 55,70,000 तो आपको आ जाएगा 95,234। तो यह जो क्रेडिट है 95,234 वो क्या कहेगी, द अमाउंट ऑफ इनपुट क्रेडिट एट्रिब्यूटेबल टॉवर्ड्स एग्जम सप्लाई, ये एग्जम सप्लाई की क्रेडिट है। 2,11,500 में से इतनी तो हमको नहीं मिलने वाली है क्योंकि कॉमन क्रेडिट में से हमने एग्जम का पोर्शन प्रोपोर्शनेट बांट के निकाल दिया। वो प्रोपोर्शन किस रेशियो में बांटा, एग्जम के टर्नओवर के रेशियो और
टैक्सेबल के टर्नओवर के रेशियो में, और टोटल टर्नओवर है 1,23,70,000। फिर जो कॉमन क्रेडिट है 2,11,500, उसमें से हमने जो पर्सनल यूज़ के लिए जो यूज़ किया ना, उसमें कोई रेशियो नहीं करना है, उसमें डायरेक्ट ही हमको 5% 2,11,500 में से निकाल देना है। तो 2,11,500 का 5% हो जाता है 10,575। इसी तरह से आप IGST का समझ लीजिएगा, 2,11,500 × 5% इज इक्वल टू 10575। तो 95234 प्लस 10575, इतनी क्रेडिट हमको इनएडमिसिबल क्रेडिट यानी कि कॉमन क्रेडिट में से इतनी क्रेडिट हम निकाल देंगे तो बाकी की क्रेडिट हमको मिल जाएगी। 2,11,500 माइनस 105809, तो हमको 105691 के क्रेडिट मिलेगी और 105809 की नहीं मिलेगी। तो हमको टोटल क्रेडिट मिली कितनी है, 2,00,000 की मिली और 105691 यानी कि 105691 प्लस 2,00,000 इज इक्वल टू 305691, इतनी क्रेडिट हमको मिल गई। और हमको कितनी रिस्ट्रिक्ट करनी है जो है 105809 यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ D1 प्लस D2 शैल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो हमने हमारे इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में हम ऐड कर देंगे 105809। यह इस प्रकार से यह संबंध है। थैंक यू दोस्तों।